कंग्रेचुलेशंस, आज आपने 5 विकेट हॉल रिकॉर्ड किया, प्लेयर ऑफ द मैच आपका ये दूसरा अवार्ड है, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हूँ और इसका सारा क्रेडिट कोचिंग स्टाफ को और मेरी टीम को जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया ऑफ फील्ड ऑन फील्ड, और ऑब्वियसली बात है फैमिली को भी जाता है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया थ्रू आउट द सीरीज। फातिमा, ऑफ कोर्स एक आज टारगेट अच्छा सेट करने में आपकी टीम कामयाब हुई, जब आप बॉलिंग कर रही थी किस तरह से, क्या प्लान था कि ऑपोजिशन बैटर्स को कैसे टारगेट करना है? सबसे पहले तो यही था कि हमने अच्छा टारगेट सेट कर दिया था तो हमें यकीन था कि हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, और पूरी टीम ने बहुत कोशिश करी थी कि हम लोग विकेट टू विकेट बॉल करें, और मेरा अपना पर्सनल भी यही था कि मैं विकेट टू विकेट बॉल करूँ ताकि चांसेस क्रिएट हों, और जिस तरह का मेरा सीम मूवमेंट थी और स्विंग मिल रहा था मुझे तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं चांसेस क्रिएट करवा सकूँ। फातिमा, पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किया जो रिवाइज हो गया 194 का हो गया था, इसके अंदर बहुत क्रेडिट आपकी जो धुआंधार बैटिंग थी उसको भी जाता है जो आपने 28 नॉट आउट किया, तो बैटिंग के बारे में बताएं किस तरह से उसके ऊपर वर्क कर रही हैं क्योंकि आपको तो एज अ बॉलर ही जाना जाता है मोस्टली। पूरी कोशिश कर रही हूँ एज एन ऑलराउंडर ही जानी जाऊँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को एज एन ऑलराउंडर सर्व करूँ, और यही है कि कोचेज़ बहुत काम कर रहे हैं थ्रू आउट सीरीज़, भी मुझ पर काम किया, बैटिंग में भी काम किया, नेट्स पे बहुत टाइम लगाया है, तो पूरी कोशिश है कि एज एन ऑलराउंडर ही परफॉर्म करूँ।